यूपी बिहार में पवन सलमान से भी बड़े स्टार हैं। इसका हम एक आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं। यह 2016 सलमान की फिल्म सुल्तान, यह 2016 सलमान की फिल्म सुल्तान और पवन की फिल्म गदर ईद पर रिलीज होती है। और आपको बता दें कि सुल्तान भले ही पूरे भारत में यानी पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ जहाँ ये फिल्म रिलीज़ हुई अच्छा बिजनेस की, लेकिन अकेले यूपी बिहार में इस फिल्म का डब्बा गुल रहा। और उस वक्त अगर कोई फिल्म चल रही थी यूपी बिहार में तो पवन सिंह की गदर। गदर की दीवानगी का आलम ये था कि पब्लिक एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन शो देख रही थी पवन सिंह के। अब बात करते हैं यह 2017 सलमान की फिल्म फिर ईद पर रिलीज होती है ट्यूबलाइट और पवन की धड़कन। ट्यूबलाइट किस तरह से फ्यूज हो जाती है पूरे देश में ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन धड़कन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया और धड़कन कैसे दिलों की धड़कन बनकर बॉक्स ऑफिस पर राज करने लगी ये आप जाकर 2017 के ईद में जो यूपी बिहार में फिल्म धड़कन रिलीज हुई थी उसके रिकॉर्ड देख लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, 2018 आता है, साल बदलता है लेकिन वक्त वही रहता है, त्यौहार वही रहता है। कहते हैं ईद भाईजान की होती है, यानी सलमान खान के नाम बॉलीवुड में ईद लिखी जा चुकी है। लेकिन ये क्या, यूपी बिहार में तो लोग ईदी पवन सिंह को देते हैं। जी हाँ, रेस 2018 में आती है। भाई फिल्म काफ़ी अच्छा बज क्रिएट करती है, लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन इस फिल्म का भी कुछ ज़्यादा खास असर लोगों को नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यूपी बिहार में तो आपको जानकर हैरानी होगी जब ये तस्वीरें देखी गई कि यूपी बिहार में जहाँ रेस लगी है वहाँ भीड़ है ही नहीं, जहाँ वांटेड लगी है लोग भर भर कर मूवी देखने जा रहे हैं। यानी वांटेड ने फिर लोगों के दिल पर राज किया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि भले ही यह फिल्म पवन सिंह की थी लेकिन फिल्म का टाइटल सलमान खान का था। जी हाँ, आपको तो याद होगा इसी टाइटल से सलमान खान ने बॉलीवुड में फिर से कमबैक किया था और इसी टाइटल से पवन सिंह ने सलमान खान की फिल्म रेस यूपी बिहार में चलने नहीं दी थी और यूपी बिहार में वांटेड सुपरहिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं यह 2019 की। यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि यह फिर बदला, लेकिन नहीं बदला तो पवन सिंह के कामयाबी का रिकॉर्ड। मैंने उनको सजन चुन लिया, पवन सिंह की फिल्म आई और वहीं यह 2019 में भारत आई। जी हाँ, कैटरीना कैफ और सलमान खान की फिल्म भारत को जिस तरह से बज मिला था कि फिल्म आते ही धमाल कमाल करेगी, लेकिन फिल्म उस तरह से न धमाल कर पाई न कमाल कर पाई। लेकिन मैंने उनको सजन चुन लिया के गानों ने भी जबरदस्त कमाल किया यूपी बिहार में। साथ ही साथ पवन सिंह की 2019 में एक और सुपरहिट फिल्म दर्ज हुई, मैंने उनको सजन चुन लिया। वहीं भारत का हश्र भी यूपी बिहार में वही हुआ जो ईद के मौके पर सलमान की हर फिल्मों का होता है। फ्लॉप हुई यूपी बिहार में भारत। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान खान हमेशा क्यों टकराने आ जाते हैं पावर स्टार से जबकि वो ये जानते हैं कि उनकी फिल्मों का क्या हश्र होगा, तो भाई वो सलमान खान की गलती है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को तो ये पता है कि भले चाहे किसी की भी फिल्म आए ईद पर, ईदी तो पब्लिक उन्हें ही देती है यूपी बिहार में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।